अस्सलाम वालेकुम, मुनव्वर ख़ान कैमरा कॉर्नर लाहौर से एक नई वीडियो के साथ। कैसे हैं दोस्तों? कैमरा आज लेकर आया हूँ कैनन का 200D Mark II। लेटेस्ट मॉडल है 200D का। अगला मॉडल 200D की डिसकंटिन्यू होने के बाद एक मॉडल आया था जिसको 200D Mark II कहते हैं। वैसे इसका दूसरा नाम 250D भी है और SL3 भी इसको कहते हैं। सो 200D Mark II पाकिस्तानी वर्जन, पाकिस्तान के लिए लॉन्च हुआ, यहाँ के ऑफिशियल वारंटी में आता है। 250D ज़्यादातर बाहर से आता है, उनकी शॉप वारंटी होती है। वैसे बहरहाल कैमरा दोनों एक ही हैं, नाम इसके दो है। 200D Mark II के दो पीसेस पड़े हुए मेरे पास, दोनों के साथ बॉक्सेस हैं, दोनों फुल फ्रेश अनटच कंडीशन में है, कंप्लीट एसेसरीज़ के साथ हैं। 200D की अपग्रेड मॉडल है, इसमें 4K का ऑप्शन एड हुआ है। इस पर आप 4K फॉर्मेट की 25 FPS वीडियो बना सकते हैं, इस तरह 1080p 60 FPS पी वीडियो बना सकते हैं। 200D के मुकाबले में प्रोसेसर इसका अच्छा है, डिजिक 8 है इसमें। वीडियो में ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस सिस्टम है, बड़ी क्लियरिटी के साथ ये वीडियो बनाता है, चाहे आप 4K में बनाएं या Full HD में बनाएं। दोनों कैमरे बिल्कुल अनटच, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू कंडीशन में अवेलेबल है। दोनों के साथ कंप्लीट एसेसरीज़ हैं, एसेसरीज़ भी आप ये बॉक्स के अंदर पड़े हुए हैं। जो ये पहला कैमरा भी जैसे आपको दिख रहा है, ये 10+10 कंडीशन में है, कंप्लीट एसेसरीज़ है इसके साथ, और इसका वारंटी कार्ड भी अभी आपको दिख जाएगा, कोई 13 मंथ्स की वारंटी भी है इसकी। फिज़िकली आप देख लीजिएगा, कंपेरिज़न कर लीजिएगा, कंडीशन वाइज दोनों आपको साफ़ सुथरे दिख रहे हैं, रिज़ल्ट भी बड़ा प्यारा बेहतरीन रिज़ल्ट बनता है। YouTube यूज़ करने वाले या व्लॉगिंग करने वाले या TikTok या किसी भी सोशल मीडिया ऐप को यूज़ करके अपनी वीडियोस अपलोड करने के लिए सबसे बेस्ट है ये। ये वारंटी कार्ड है इसका, वारंटी कार्ड में इसके नवंबर 2021 तक की वारंटी भी होती है और इसमें 6 माह की एक्सटेंडेड वारंटी भी होती है। सो ऑलमोस्ट 13 से 14 माह की वारंटी इसकी अभी बाकी है। इसी तरह ये जो कैमरा है, ये भी कंडीशन वाइज इसी तरह का है, कंडीशन में दोनों सेम हैं, इसकी भी आपको 1 साल की शॉप वारंटी मिल जाएगी। दोनों में से जो कैमरा चाहिए, प्राइस आपको इसकी 90,000 रुपये की मिलेगी, 90,000 का ये पड़ेगा। कॉल कीजिएगा इन दिए गए दो नंबर्स पे। ये वीडियो इतनी ही, शुक्रिया भाई, खुदा हाफिज़।